हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए बुक जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हुई है, इसमें आपको हर एसे लेटर अपडेटेड फॉर्म में मिलेगा और सारे के सारे टॉपिक जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। इतने सारे टॉपिक आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इतने टॉपिक हैं इसमें और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में है। और ये जो अपडेटेड बुक है ये .docx फाइल में है, यानी कि आप इसको लिंक से दोबारा डाउनलोड करोगे तो आपको अपडेटेड बुक मिलेगी। मेरे को दोबारा सेंड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब भी इस तरह के एसे या फिर लेटर्स आते हैं तो हमेशा आपको उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें ही लिखनी होती हैं। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव लिखते हो तो आपको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे और फिर उसके बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये सच है। डीमोनेटाइजेशन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स हो, अगर वो फेल भी कर रही है तो भी आपको उसके बारे में पॉजिटिव चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आपको भी पता है जो डीमोनेटाइजेशन जब हुआ था, जब रात को 12 बजे ही ये ऐलान कर दिया था कि अब से 500 रुपीस के नोट और 1000 रुपीस के नोट अब मार्केट में नहीं चलेंगे, तो ऐसे में यार कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा था। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में हर तरह के बिजनेसमैन हैं, तो छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो सारा काम कैश में ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो सारा काम एक नंबर में ही हो, कैश में भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और वो चलती रहेंगी। तो गवर्नमेंट यार कैश बना ही क्यों रही है? अगर कैश में काम नहीं करना है तो गवर्नमेंट कैश क्यों बना रही है? तो ये तो वही बात होगी ना, शराब को GST से बाहर किया हुआ है और शराब पे 28% टैक्स तो अगर GST के अंदर लगता 28%, लेकिन वो बाहर कर दिया। पेट्रोल जैसे इलेक्ट्रिसिटी बाहर कर दी क्योंकि इतना ज़्यादा उन पर टैक्स लगाना है। और बाहर आके लोगों से अपील की जाती है कि आप लोग शराब मत पीजिए, आप लोग सिगरेट मत पीजिए। सिगरेट के ऊपर एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी जाती है, ठीक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। ये सभी मतलब हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि एक तरफ तो प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ हमें बोला जा रहा है कि आप कंजम्पशन मत कीजिए, जबकि गवर्नमेंट अंदर से यही चाहती है कि कंजम्पशन होनी चाहिए। तो ये हाल है डीमोनेटाइजेशन में। आपको भी पता है पूरी तरीके से वो टोटली फेल था और उसके ऊपर लोग कितने तंग हुए थे सभी को पता है। ऐसे ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, भारत में लगभग भारत की जो आबादी है वो 125 करोड़ है और 25 करोड़ जो लोग हैं भारत में भुखमरी के शिकार हैं, वो रात को भूखे पेट सो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता और वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, भुखमरी है, क्राइम है, वुमेन की कंडीशंस बहुत ख़राब है, रेप केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं और बाद में महिलाओं के ऊपर ही जो है वो उन्हीं के ऊपर कसूर जो है वो मर दिया जाता है। ये इंडिया है। भारत के जो कम्युनिटी के लोग हैं, मैं सभी की बात करूँगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम्स हों, सिख हों, ईसाई हों, हर कम्युनिटी के लोग वो तो इस गवर्नमेंट से संभाले नहीं जा रहे, ठीक है। उनकी तो इतनी बुरी हालत अपनी इसमें इंडिया में, भारत में हुई पड़ी है, ठीक है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, किसानों की क्या हालत है, उनकी आय बढ़ी नहीं रही है, तो ये हालत है। तो बाहर से ये मतलब हिंदू बुला रहे हैं कि उनका बाहर शोषण हो रहा है, चाहे कोई सी भी स्टेट इन्होंने बोली है, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो। इतनी फिक्र पड़ गई हिंदू के लोगों की, अल्पसंख्यकों की इतनी फिक्र पड़ गई। और आप सभी लोग SSC की प्रिपरेशन करते हो, बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो, एजुकेटेड हो, ग्रेजुएटेड हो, तो आपको एक बात तो डेफिनेटली पता होगी, आप रीजनिंग की भी तैयारी करते हो कि ये सब चीज़ क्यों हो रही हैं। अपने आप को राष्ट्रवाद बताने के लिए, अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित करने के लिए कि हम हिंदुओं के बारे में इतना सोचते हैं, जस्ट टू टेक द वोट्स फ्रॉम द हिंदू पीपल्स, हिंदू लोगों से आपको वोट लेनी है, इसलिए आप लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। आर्टिकल 370, ये अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग इसलिए कर रहे हो ताकि आप अपने आप को दिखाना चाहते हो कि हम कितने राष्ट्रवादी हैं और दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट है। तो इस तरह की मेंटेलिटी जिस गवर्नमेंट की हो, जिस गवर्नमेंट को ये नहीं दिखता कि हेल्थ पे कितना खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना चाहिए, उन्होंने कितने स्कूल्स बनवाए हैं, उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है वहाँ पे, सिर्फ लोगों को इन मुद्दों के ऊपर सारा का सारा ध्यान केंद्रित करना मीडिया खरीद करके, ये हाल हमारी इस गवर्नमेंट का है। और तब भी अगर आपको नहीं दिखता तो फिर उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर मैं किसी गवर्नमेंट का ये नहीं कह सकता कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा अच्छी थी, वो ही अच्छी थी, या फिर ये वाली गवर्नमेंट अच्छी है।
आज की डेट में कोई अच्छा ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ कंपैरिजन कर पा रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट से काफ़ी बेटर थी। लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी अच्छी थी, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी, जीडीपी भी अच्छी थी, हर चीज़ चल रही थी। क्योंकि पैसा जो है, इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो पैसा अगर कुछ लोगों के पास है, अगर कुछ ही लोगों के पास पैसा रहेगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास, तो वो मार्केट में कैसे वो सारी, क्योंकि अगर मार्केट है, मार्केट में हर सामान जो है वो उसकी परचेज़ होनी चाहिए और उसकी सेल होनी चाहिए, तभी ये मार्केट चलेगी। अब अगर पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में दे दोगे तो वो पूरी जो इंडिया है उसकी मार्केट वो नहीं खरीद सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी परचेज़ कर लेंगे, कितने लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दे देंगे। रोज़गार, ये सारी चीज़ें तभी चलेंगी जब मैक्सिमम लोगों के पास पैसा हो। अगर हमारे देश की नेशनल इनकम का एक मेजर पार्ट इन पूंजीपतियों और इन पॉलिटिक्स के हाथ में रहेगा, तो फिर इंडिया की जीडीपी और इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे आगे बढ़ेगी, इंडिया कैसे राइज करेगा, बेरोज़गारी कैसे दूर होगी, ये चीज़ थोड़ा सा आप एनालाइज़ कीजिए। आप पढ़ते हैं, आप पढ़े लिखे बंदे हैं, तो अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमें तो पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यही हाल आज की मीडिया का है, हमें बोलना पड़ता है, हमें करना पड़ता है। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज़ अ लॉ विच अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह एंड पास्ड ऑन 10 दिसंबर 2019। द बिल एम्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन दीज माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, जैन हैं, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है, तो बुरा तो लगेगा ही। उसके बाद देखिए, और हिंदू ऑलरेडी यहाँ पे इतने बुरी हालत में हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, भुखमरी चरम सीमा पर है, स्कूल्स यहाँ पे खुलवाए नहीं जा रहे, खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ सारा का सारा पैसा ऐंठे बैठी है, और फिर इनको बड़ी फिक्र है कि बाहर से जाके इन कम्युनिटीज़ को बुलाना है इंडिया में, जस्ट टू टेक वोट बैंक है, टोटली वोट बैंक है। दिस लॉ अप्लाइज टू दोज हु विजिटेड इंडिया ऑन और बिफोर 31st December 2014। द बिल एक्सक्लूड द मुस्लिम कम्युनिटी एंड हैज़ ऑप्टेड टू ग्रांट सिटीजनशिप टू नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हु हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन, इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, डेफिनेटली है, स्टेटिंग दैट द गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और सेक्स ऑफ बर्थ। उसके बाद देखिए, द बिल गिव्स एप्लीकेंट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रांट सिटीजनशिप बाय न्यूट्रलाइजेशन। कह रहे हैं कि जो बिल है उसने अवसर प्रदान किया है एप्लीकेंट्स को नागरिकता प्रदान करने के लिए, एक न्यूट्रल होके, बिल्कुल एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, इफ़ दे हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर द लास्ट 5 years इंस्टेड ऑफ द करंट 11 years। मतलब अगर कोई पिछले 5 वर्षों में भारत में रह रहा हो तो वो डायरेक्टली, वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, और बजाय कि वो 11 years के। और इसमें आपका जो प्रोविजन है, द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द स्टेट दैट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इनर लाइन। मतलब इसमें प्रोविजन उन स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि इनर लाइन से प्रोटेक्टेड करती हैं। अब मैं ILP आपको बताऊंगा इनर लाइन प्रोटेक्शन। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, असम हो गया, जिनको ऐसा लगता है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपके असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे इन लोगों को लगता है कि वहाँ पे जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। अगर वहाँ के डेमोग्राफिक चेंजेस हो जाएंगे, वहाँ पे एथनिक चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को अपनी जो परंपरा है वो कायम रखनी जो है, उनमें वो बिलीव करते हैं कि हमारी परंपरा कायम रखनी चाहिए। अगर बाहर से लोग माइग्रेट करेंगे तो शायद ये सारे चेंजेस वो देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे असम और इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो यही है इनर लाइन प्रोटेक्शन। तो वो इन स्टेट्स पे जो सिटीजनशिप का प्रोविजन है वो एप्लीकेबल कह रहे हैं कि ये नहीं होगा। एंड द एरियाज कवर्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की जो 6वीं सूची है उसमें जो एरियाज उसके अंडर कवर्ड हैं उस पर भी ये जो नागरिकता प्रदान करने वाला जो कानून है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। द इनर लाइन परमिट इज़ अ स्पेशल परमिट दैट इज़ ग्रांटेड बाय, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट करती है, विदाउट विच द इंडियन सिटीजन कैन नॉट विजिट एनी प्लेस अंडर द इनर लाइन रेजिम। यानी कि जिसके बिना आप शायद उस स्टेट में रह भी नहीं सकते, नागरिक भी नहीं बन सकते वहाँ पे, आपको परमिशन लेनी पड़ती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से। उसके बाद देखिए कंक्लूजन में, द 6th शेड्यूल डील्स विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द
ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उसके बाद देखिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर अगेंस्ट द बिल, वो बिल के अगेंस्ट है, एज दे बिलीव इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स टू देयर स्टेट्स एंड देयरफॉर द एथनिक एंड डेमोग्राफिक चेंजेस विल बी देयर एंड डिस्पाइट प्रोटेस्ट इन वेरियस एरियाज ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट सेज दैट देयर हैज़ बीन नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल। और इतने सारे प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी अलग अलग भारत के हिस्सों में, राज्यों में, एरियों में, जैसे दिल्ली का जो शाहीन बाग है वहाँ पे कितने ज़्यादा प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिले, सरकार इनको लड़वा रही है। और द गवर्नमेंट सेज दैट देयर हैज़ बीन नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल, सो लोगों के बीच में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं है, ऐसा इनका कहना है। अब सेम चीज़ को मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 एक ऐसा कानून है जिसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यह विधेयक गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में पेश किया गया और 10 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। इस विधेयक का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं और जैन शामिल हैं। मुस्लिम्स को इसमें बाहर रखा गया है, यानी कि वो अल्पसंख्यक नहीं हैं और वो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर वो नागरिक नहीं बन सकते। यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। इस विधेयक में मुस्लिम समुदायों को शामिल नहीं किया गया है और गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता देने का विकल्प चुना है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं। विपक्ष के अनुसार यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि सरकार धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। यह विधेयक आवेदकों को प्राकृतिकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप प्रदान करने का मौका देता है यदि वे मौजूदा 11 वर्षों के बजाय पिछले 5 वर्षों तक भारत में रह रहे हों। नागरिकता पर प्रावधान इनर लाइन द्वारा संरक्षित राज्यों और संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला वह विशेष परमिट है जिसके बिना किसी अन्य राज्य का भारतीय इनर लाइन शासन के अधीन आने वाले राज्य का दौरा नहीं कर सकता है। 6वीं अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। उत्तर पूर्वी राज्य विधेयक के खिलाफ हैं क्योंकि उनका मानना है कि उससे अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विरोध के बावजूद सरकार का कहना है कि लोगों के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। ये मैं थोड़ी सी एक दो मिस्टेक है, ठीक कर दूंगा, आपको बुक में अपडेटेड मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।